हेलो वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जर्नी मायसेल्फ देवती शाह कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों से शेयर किया था रिगार्डिंग अपकमिंग फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल एग्जाम्स उसमें कुछ इश्यूज थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था बहुत लोगों ने प्यार दिखाया कमेंट्स किया बहुत लोगों ने ये भी बोला कि हमारे साथ भी ये हो चुका है वी आर आल्सो बीइंग द विक्टिम ऑफ दिस सेम इश्यूज राइट right? in in एंडल्व के बच्चे वो कैसे प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं राइट right? तो मुझे लगा की ये चीज आपसे थोड़ा बहुत शेयर कर लू देखिये सर मैं ना अपने बच्चों को राइट right, प्रैक्टिकल फाइल मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें देता हूँ कि वो प्रैक्टिकल फाइल में जो लिख रहा है वो उसके यहाँ पे है कि नहीं राइट तो बच्चे से मैं यही कहता हूँ कि जो आप लिख रहे हो जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो सोच समझ के लिखो और पढ़ते हुए लिखो क्योंकि ये कंटेंट आपको उस दिन जब एक्सटर्नल आएगा यहाँ से ही पूछेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा तो यू हैव टू इंक्रीज योर नॉलेज राइट एंड प्रैक्टिकल फाइल मैं कैसे तैयार करता हूँ मैं आपको बताता हूँ देखो मैक्सिमम वीडियोज आपको मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना कैसे है क्या नहीं बनाना मेरा जो यूनिकनेस है वो है सिस्टमेटिक सिंकोनाइजेशन ऑफ सेम कवर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स राइट तो मैं ये चीज में बिलीव करता हूँ कि बच्चे का जो कवर है वो मेरे पास सौ बच्चे हो डेढ़ सौ बच्चे हो सबका कवर जो है प्रैक्टिकल फाइल का सेम दिखना चाहिए जिससे आपको जो एक्सटर्नल आ रहा है, उसके ऊपर एक अच्छा इम्प्रेशन जाए राइट एक ऐसे इम्प्रेशन जाए नहीं यहाँ पे आया हो तो बच्चों में कुछ है राइट सो ये एक सबसे बड़ा चीज होता है कि जो एक्सटर्नल आता है उसको इम्प्रेस करना राइट देखो बातों बातों में तो एक्सटर्नल से बहुत कुछ बातें हो जाते हैं लेकिन आपको कुछ अपना भी कैलिबर दिखाना पड़ता है इफ यू आर एन इंटरनल एंड इफ यू आर फिजिकल एजुकेशन टीचर राइट अब प्रैक्टिकल के अंदर क्या लिखना है मैं उस, उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाला ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल फाइल जो मैं बनाता हूँ जो आपने पूछा हुआ था वो मैं कैसे बनाता हूँ कैसे दिखता है वो मैं बोल सकता हूँ तो मैं बच्चों को प्रैक्टिकल फाइल का जो कवर है मैं खुद बनाकर देता हूँ मैं स्कूल का नाम ढक दे रहा हूँ ठीक है फॉर पर्सनल रीजन सो हेयर यू कैन सी फिजिकल एजुकेशन राइट हेयर यू कैन सी फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट कोड राइट हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है जीरो फोर ए राइट देन सेशन कौन सा है दो हजार तेईस चौबीस अब ये पिक्चर आप देख पा रहे हो ये पिक्चर क्या है ये पिक्चर है फुटबॉल का अब जो बच्चा है वो बच्चा फुटबॉल में स्पेशलाइजेशन है तो इसलिए वो ये पिक्चर जो है फुटबॉल का है फ्रंट पेज पे बच्चे का नाम और मेरा नाम राइट और बैक साइड में योगा का ठीक है एक तो ये पूरा जो कवर बनाने में मात्र सात रुपया लगा है ठीक है तो देखो यहाँ पे एक व्हाइट पेपर पहले लगा दिया गया है इसको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट किया इसको ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट प्रिंट आउट निकाल के इन्होंने चिपका दिया है और एक

मुझे ऐसा दे रहा है जिससे मुझे पता चल जा रहा है है। कि सामने वाले बच्चे का क्या है। तो एक्सटर्नल को जस्ट प्रैक्टिकल फाइल जैसे मिला वो उस स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट से वो पूछना स्टार्ट कर सकता है तो इट्स यू नो अ फ्लेक्सिबिलिटी दैट इज गिवन टू द एक्सटर्नल राइट तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा अपने खुद क्रिएटिविटी से सीखा इसमें और क्या क्रिएटिविटी कर सकता हूँ प्लीज आप कमेंट में बताइए और वो मैं आने वाले सेशन में उसको भी मैं इंडल्ज करूँगा राइट मैं भी अपग्रेड हूँ आप भी अपग्रेड होइए क्योंकि ये पेज जो है और ये जो चैनल है ये इंटरटेनमेंट का नहीं है ये हमारे सब्जेक्ट को आगे लेके जाना है और हम उसके साथ अपग्रेड हो

गर्ल्स ना बहुत टाइम दे देती है प्रैक्टिकल फाइल्स को बनाने में क्योंकि सामने ऐसा ऐसा चीज लगाते हैं और स्टूडेंट यू ऑल्सो नो द सेम थिंग राइट तो यहाँ पे आप देखो मात्र सात रुपए में मेरे पास सौ से भी ऊपर के बच्चे जितने भी है सबका फाइल एक टाइप का दिखने में है राइट ओनली द चेंज इज देयर स्पेशलाइजेशन फोटो राइट right? तो ये स्पेशलाइजेशन फोटो मैं चेंज करते रहता हूँ मैं खुद उनको बना के दिया हूँ। अगर आपको भी चाहिए एज ए स्टूडेंट और teacher, मैं आपको ये कर सकता हूँ लेकिन आपको स्कूल का जो लोगो है जहाँ पे मैं ढकके रखा था वहाँ पे आप स्कूल का लोगो बैठा दीजिए बस बच्चों को प्रोवाइड कर दीजिए तो इफ यू वन दैट जस्ट ड्रॉप ये व्हाट्सअप नंबर दैट इज सेवन सिक्स डबल एट जीरो सेवन डबल सिक्स थ्री जीरो i will be happy to help you out and if you are a physical education teacher or students be active be prepared for your upcoming board exam all the best thank you see you on the next video bye everyone